मानो या ना मानो, अंटार्कटिक ग्लेशियर के भीतर गर्म गुफाओं में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रहस्यमय दुनिया होने का संकेत मिला है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए अध्ययन में पाया गया है कि अंटार्कटिका के रोस द्वीप पे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट के आसपास के क्षेत्र में झरनों के बहाव ने बड़ी गुफा का जाल बना दिया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि इन गुफाओं से मिली मिट्टी के अध्ययन में सूक्ष्म जीव जंतुओं के अंश पाए गए हैं। शोधकर्ताओं ने बताया ये गुफाएं अंदर से बेहद गर्म हो सकती हैं। कुछ गुफाओं में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। पोलर बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता ने कहा कि गुफा के मुहाने में रोशनी है और कुछ गुफाओं में जहां बर्फ की परत पतली है वहां अंदर की ओर रोशनी के फिल्टर्स हैं। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट की अधिकतर गुफाओं से मिले डीएनए अंटार्कटिका में अन्य स्थानों पर पाए जाने वाले जीव पेड़ों और जानवरों के डीएनए से मिलते जुलते हैं। उन्होंने कहा कि इस अध्ययन से एक झलक मिलती है कि अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर क्या हो सकता है। वहां वनस्पतियों और जंतुओं की नई प्रजाति भी मौजूद हो सकती है। वैज्ञानिक ने बताया कि अगला कदम इन गुफाओं को अधिक नजदीक से देखना और किसी जीवित जीव जंतु की तलाश करना है। अगर वे वहां मौजूद हैं तो एक नई दुनिया का पता लग सकता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में अपने कमेंट जरूर लिखें। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मानो या ना मानो को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, इसी तरह की अविश्वसनीय अकल्पनीय मान्यताओं और कहानियों के लिए देखते रहिए मानो या ना मानो।